नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हमारे पास एक सबसे पहली बार रिव्यू यूनिट आया है जो कंपनी ने हमारे को स्पेशली रिव्यू करने के लिए भेजा है। और हमारे पास आप देख सकते हैं एक बॉक्स है जिसका मॉडल नंबर है 3301 यानी 3301। ये जैक्सल का 4G राउटर है, 4G प्लस नहीं है, 4G राउटर है। तो हमें भी थोड़ा सा इच्छा थी भी 4G प्लस राउटर मिलता, लेकिन नहीं, हमें 4G राउटर ही मिला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे 4G राउटर्स की बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं, उसकी प्लेलिस्ट है आप यहाँ पे आई बटन में देख सकते हैं। और आज हम लगभग 15वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके ऊपर, राउटर्स के ऊपर। और आज हम जैक्सल का राउटर जो है इसे अनबॉक्स करेंगे। इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या फैसिलिटी है, किस तरह का नेट की स्पीड है, कहाँ के लिए बेहतर है, कहाँ के लिए नहीं है बेहतर, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए दोस्तों तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस बॉक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इस बॉक्स में काफ़ी कुछ पहले लिख रखा है और जो कि आप यहाँ पर फोटो में देख लीजिएगा। और सिंपल मैं आपको बता दूँ, LT3301-Q222 इसका मॉडल नंबर है जो कि आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर MRP जो है 24,991 रुपये लिख रखा है। तो ब्रांड के हिसाब से तो ये काफ़ी महंगा हो सकता है, बट क्वालिटी के हिसाब से क्या है इसका, क्या प्राइस है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और देखते हैं इसमें हमारे को क्या क्या मिल जाता है, किस तरह का राउटर है। तो यहाँ पर एक सबसे पहले हमारे को पैकेजिंग में, ये एक्चुअली में डेमो प्रोडक्ट है जो कंपनी डेमो के लिए देती है, वही हमारे को भी डेमो के लिए दिया है उन्होंने। तो ये बॉक्स है, देखिए ये एक मतलब जो है राउटर है, 4G LTE राउटर जिसको इसको बोलते हैं। और इसमें 2G 3G और LTE ही चलता है, 4G नहीं बोलते हैं इसको, ये सिर्फ LTE ही में चलता है, ऐसा मतलब जो है कंपनी ने लिखा हुआ है, 4G का नाम कहीं पे भी नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे WPS का बटन है, लॉक का साइन इसमें, की का बटन, की का साइन इसमें बना रखा है। और यहाँ पे आप हुक देख सकते हैं, इसको टंगाने के लिए भी हुक्स बना के रखी हैं। और इसके जो एंटीने हैं डिटैचेबल हैं इस तरह से, हमने पहले इसको कल परसों दो तीन दिन से ट्राई किया है, इसमें सिम भी एयरटेल की लगा के रखी है, आप देख सकते हैं जियो की सिम है एक्चुअली में इसमें, तो जियो की सिम के ऊपर हमने ट्राई कर चुके हैं पहले हम इसको दो तीन दिन से, और पहले हम जियो की सिम से ट्राई करेंगे। देखिए पूरी सिम इसमें लगेगी और इस तरह से इसमें सिम डलेगी, देखिए जो सिम का जो कार्बन है वो नीचे रहेगा और इस तरह से इसमें जाएगा, और आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसे इस तरह से टिक हो जाएगी, और इस तरह से फिर एंटीने भी जो हैं वो फोल्डेबल हैं और यहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं। और हमने एंटीने का देखा काफ़ी ज़्यादा होता है असर, और एंटीने काफ़ी ज़्यादा टाइट करने पड़ते हैं, तो इस तरह से है। और इसमें ऑन ऑफ का बटन भी है, और वाईफाई का ऑन ऑफ का बटन भी है, और रीसेट का बटन भी है। और साथ में इसमें हमारे को मिल जाते हैं 4 लैन पोर्ट जिसमें हम नेटवर्किंग के डिवाइसेस और लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसका पावर का इनपुट है और 12 वोल्ट से चलता है। साथ में हमारे को कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यूज़र गाइड वगैरह, और साथ में चार्जर और एक लैन केबल भी मिल जाती है अच्छी सी जो कि लगभग 2 मीटर की है। तो हम फिलहाल यूज़ करते हैं इसका चार्जर जो कि अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छी इसकी लंबी केबल भी है, इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं और प्लग कर देते हैं और सिंपल फटाफट जो है इसे ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से राउटर हमारा है, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइटें जलती हैं, इसमें लगभग एक पावर की लाइट है, फिर इसमें एक LTE की लाइट है, फिर इसमें नेटवर्क का इंडिकेशन भी है भी कितने नेटवर्क इसमें आ रहे हैं, फिर इसमें वाईफाई 2.4 GHz का भी है। इसका एक्चुअली में एक और मॉडल है 3301 प्लस, वो राउटर एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा था। उसमें क्या था भाई, उसमें 4G प्लस था, तो हमें लगा भी शायद वो वाला मॉडल हमारे पास आ रहा है तो हम बहुत खुश थे, लेकिन नहीं। तो लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हमारे को मिला है हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, और अगर ये अच्छा है तो ये सब इस वीडियो में अभी पता लग जाएगा। और हमारे पास एयरटेल और जियो दोनों की सिम हमारे पास है, और यहीं पे हम चेक कराएंगे किस तरह से इसका सेटअप होता है, वो सारी चीज़ें आपको चेक कराएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ ताकि हम जो है शुरू से आपको सब चीज़ें चेक कराएं। तो फ्रेंड्स आपने देखा, और यहाँ पर बहुत सारे मॉडल हैं जैक्सल के, जैक्सल एक अच्छी ब्रांड है और जैक्सल में बहुत सारे मॉडल हैं। हम आशा करते हैं जैक्सल से भी, जैक्सल इंडिया से भी आने वाले टाइम में जो है ये सारे प्रोडक्ट जो है हमें इंडिया में यूज़ करने को मिलेंगे, और इतना ही जो है हमें चाहिए जैक्सल से। इतने सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी अच्छी रेंज है इसकी LTE में, तो बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, तो ये सब चीज़ें हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। जैक्सल एक नेटवर्किंग में बहुत अच्छी ब्रांड है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, राउटर्स, स्विचेस वगैरह, और बहुत सारे वाईफाई में बहुत सारी अच्छी रेंज है इनकी।
क्योंकि जब भी सिम कार्ड लगाना तो इसे ऑफ कर दीजिए। कोई भी और राउटर जितने भी हैं अभी तक आपने, जितने भी लोग हैं जो पुराने जिन्होंने खरीदे हैं वो भी, तो सबसे जरूरी बात है भी जब हम सिम चेंज करते हैं या सिम लगाते हैं तो हमें राउटर को रिस्टार्ट करना पड़ता है या बंद करके ही सिम लगाएं तो ज़्यादा अच्छा तरीके से रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें LTE सिग्नल आ चुका है। तो अब जो है मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरी है वाईफाई को जोड़ना। और यहाँ पे देखिए जायसेल में क्लिक कर रहा हूँ, और जायसेल का पासवर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नहीं है। जो पासवर्ड डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है इसके ऊपर लिख नहीं रखा है, हमें WPS का बटन दबाना पड़ेगा। तो मैंने WPS के बटन को दबा के यहाँ से WPS पुश कनेक्शन को क्लिक किया, उसके बाद इस बटन को दबाया और दोनों को आपस में कनेक्शन हुआ, तब जाके कनेक्ट हुआ है। कल का कनेक्टेड है तब करके ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ, अभी तो हमने रीसेट भी किया इसको। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड है और IP एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.33 हमारे को मिल चुका है। और यहाँ पे हम सिंपल ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे हमारे ब्राउज़र पे 192.168.1.1, क्योंकि 1.33 हमारे मोबाइल का है तो 1.1 हमारे राउटर का ही होगा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब ये यहाँ पे हमें डालना पड़ता है पासवर्ड, तो हमें क्या डालना पड़ता है, इसका जो यूज़र नेम है वो है एडमिन और पासवर्ड रहता है इसका 1234। तो फर्स्ट टाइम अगर हम इसे लॉगिन करेंगे तो 1234 ही पासवर्ड डालना पड़ेगा और अभी हम अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर अप्लाई करते हैं तो ये बोलता है अभी पासवर्ड सेट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो हमने जो एडमिन का पासवर्ड रखा था वो हम इसमें सेट कर देते। तो हमने जो है यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट कर दिया। इसमें एक कैपिटल लेटर और न्यूमेरिक कैरेक्टर चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर डालने से प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से देखिए हमारा कुछ इस तरह से व्यू खुल जाता है। यहाँ पे एक्सेस पॉइंट मोड पे है ये, और यहाँ पे पैकेट स्टेटिस्टिक्स में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को ये बता देता है अलग से विंडो में हमारे जो वैन पे है कितने पैकेट आ जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास WLAN का स्टेटस, LTE मॉडम का स्टेटस में देख लेते हैं। यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 108 RS RP आ रहा है और बाकी जो भी नज़र आ रहा है आपको आप देख सकते होंगे। धीरे धीरे हमें भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया अभी ये आखिर RS IP होता क्या है। तो अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिम रेडी है, सब कुछ ओके है। बाकी तो बात करते हैं इंटरनेट की। तो यहाँ पे अगर वैन की बात की जाए तो वैन में यहाँ पे एक IP एड्रेस इन्होंने डाल के रखा है। तो क्या हमारा इंटरनेट चल रहा है, तो यहाँ पे वैन तो अप लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार हम जाके अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे दूसरा पेज हम खोल देते हैं, तो गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे ये एक हिकविजन का कैमरा है, इसे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो क्या इंटरनेट चल रहा है, तो ये डाउनलोड फाइल आ गई, इनकी इंटरनेट चल रहा है। तो क्या स्पीड आ रही है, आपको मालूम है यहाँ पे हम पहले भी D-Link, TP-Link और बहुत सारे राउटर को इसी बेसमेंट में चेक कर चुके हैं, यानी कि ये बिल्कुल 108 सिग्नल आ रहा है, यानी कि बिल्कुल लो कवरेज है। और वहाँ पे क्या स्पीड ये दे पाएगा और कितनी इसकी पावर है वो हम चेक करने जा रहे हैं आज। अभी हमने जियो की सिम लगाई है, तो आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन में यहाँ पे ये कनेक्टिंग आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है वेट करने के लिए, बोर है मोबाइल की स्क्रीन में, यहाँ रख देता हूँ। और यहाँ पे 100 KPPS की स्पीड आती है, 300, 400, 500 KPPS की, 600 KPPS, 700, 800, 900, 1 Mbps धीरे धीरे गेन कर रहा है। तो 1.3 Mbps की स्पीड यहाँ पे इसने गेन किया है, ये जो जैक्सल का राउटर है। और अपलोडिंग आपको पता है 100-200 KPPS आएगी। सेम इसी पोजीशन पे अब मेरा मोबाइल भी जियो के साथ इसमें है, मैं इसे ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मैंने जो है, आपको मालूम है मेरा मोबाइल डाटा भी Jio LTE पे है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मोबाइल में लगभग 2-2.5 Mbps की स्पीड आ रही है, तो आप देख सकते हैं अभी ये आधी स्पीड ला पा रहा है। इसकी क्वालिटी किस टाइप की है ये क्लियर है, मतलब इतना अच्छा ये नहीं है। हमने 2 दिन से चेक भी किया, थोड़ा बीच बीच में कभी कभी ड्रॉप भी होता है। तो अभी इसमें APN हमने मैनुअल करके देखते हैं, तो शायद जो है अच्छी स्पीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दूसरी डिवाइसेस में भी APN को मैनुअल सेट करना। तो अब मैं APN को मैनुअल सेट कैसे करते हैं, अभी तो मैंने इसमें सेट भी नहीं किया। तो ये जियो के साथ सपोर्ट करता है, देखिए। तो यहाँ पे हम चले गए यहाँ पे सेटिंग में, लेकिन हमारे को पहले वाईफाई से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैक्सल के साथ हम जुड़ चुके हैं, यहाँ पे हम रीड और रीलोड कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम चले जाएंगे सेटिंग में, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा कनेक्शन है, और किस टाइप का कनेक्शन है, देखो डायल अप कनेक्शन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा 3G 4G, सब कुछ इसमें अपने आप ही है, रोमिंग इनेबल नॉट इनेबल, ऑटो रिकनेक्ट ऑलवेज ऑन, ये सब चीज़ें हैं, कनेक्ट ऑन डिमांड सब कुछ है इसमें। क्या हमें अगर मैनुअल करना है तो हमें APN जो है यहाँ पे हम जियो नेट यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी इसमें डायल अप नंबर भी हम डाल देते हैं, ये एक्चुअली में एक सेटिंग होती है जो पहले हम मॉडम वगैरह में यूज़ करते थे, वही सारी सेटिंग है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम और अप्लाई कर देंगे। तो अब हमने मैनुअल APN के साथ डाल दिया है, अब चेक करेंगे आखिर स्पीड की कुछ फ़र्क पड़ता है, कनेक्टिविटी में कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि ये राउटर 2016 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तब जियो ने नया था, अब जो है लेटेस्ट है। और अब जो चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज भी आ रहा है किसी कस्टमर का, गो कर दिया है। तो यहाँ पे गो करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइडर अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, अभी हमारा जियो है एयरटेल है कुछ भी है, तो इसमें सेटिंग की दिक्कत आती है मतलब बहुत ज़्यादा। अब इसने डिटेक्ट कर लिया है, तो अब मैनुअल सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह की स्पीड आएगी। अब तो मैनुअल सेटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे 4 Mbps तक ये कैच कर रहा है, तो मैनुअल सेटिंग अच्छी है तो मैनुअल सेटिंग करनी चाहिए। तो 5 Mbps 6 Mbps तक ये कैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 7 Mbps तक ये कैच कर रहा है, तो ये उनसे भी ऊपर जा चुका है जो हम पहले चेक कर चुके हैं, 4-5 Mbps यहाँ पे कैच कर रहे हैं इतने सिग्नल में, तो ये कैच कर रहा है अब यहाँ पे उससे ज़्यादा। तो क्या वाकई मोबाइल भी मेरा उतना कैच कर पा रहा है? तो मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं मोबाइल ऑफ कर चुका हूँ, मेरा मोबाइल डाटा आ चुका है। तो मोबाइल में 9 Mbps की स्पीड भी आई थी, तो जब पीछे से स्पीड आएगी तो ये भी कैच कर लेगा। तो कंपेयर किया जाए तो अभी इतना भी हम डिसाइड नहीं कर सकते भी ये राउटर इतना भी अच्छा नहीं है, ये सिमिलर टू मोबाइल है, बस बात की जाए तो ये राउटर है, मतलब इसमें लैन पोर्ट भी है एक्स्ट्रा, बाकी इसमें बूस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है अभी जियो के साथ। तो अब हम चेक करेंगे इसको एयरटेल के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे एयरटेल की सिम है, हमने क्या किया है दोनों ही सिम लेके रखी हैं, और फटाफट से मैं इसे निकाल देता हूँ। तो सिंपल यहाँ मैं दोबारा से यहाँ पे APN में ये देखिए इसने मैनुअल डिटेक्ट किया है, लेकिन इसमें हमारा अदर्स करना था हमने, तो मैनुअल सेटिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं अभी हम कुछ भी कर लें, तो क्योंकि ज़्यादा सब कुछ चलेगा यहाँ पे इसके ऊपर ही। तो इस तरह से अभी हमने इसको भी मैनुअल कर दिया है, वैसे एयरटेल का तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, जियो का भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, वैसे अच्छा है ब्रांडेड है, इसमें कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम मैक्सिमम ओके कंडीशन में चेक करना चाहते हैं भाई आखिर क्या ये कर पाता है। तो यहाँ पे IP एड्रेस हमारे को मिल पाता है, कब तक मिल पाता है चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सिम लगाई, रिस्टार्ट करना पड़ता है दोबारा, और सेटिंग हमने मैनुअल कर रखी है इसमें APN की, और अब जो है हम यहाँ पे सिंपल नेट प्लस स्पीड टेस्ट में चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप ये डिटेक्ट कर चुका है एयरटेल, और चेक कर रहे हैं यहाँ पे एयरटेल की स्पीड कितनी आ रही है, यहाँ पे लगभग आपको मालूम है कितना सिग्नल आ रहा था, कितना कम सिग्नल आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए कितने कम सिग्नल में क्या स्पीड आ रही है, लगभग 700 KBPS की स्पीड आ रही है। तो ये अब मोबाइल पे भी चेक कर लेंगे हम, अपलोडिंग भी देख लेते हैं इसकी, क्या पता अपलोडिंग में बूस्ट करे, बट नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वाईफाई को ऑफ कर देते हैं, और आपको जो है एक बार यहाँ मोबाइल डाटा स्विच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्विच कर दिया है एयरटेल पे, तो एयरटेल पे अब हमारे को स्पीड टेस्ट क्या मिल रही है मोबाइल पे, यहीं पे आप चेक कर रहे हैं, और पहले हमने अभी चेक कराया आपको मॉडम राउटर के साथ। तो आप देख सकते हैं मोबाइल पे लगभग 3.6 Mbps की स्पीड आ रही है, और जैक्सल हमारे को दे रहा है यहाँ पे
1 से लेकर 2 Mbps के बीच में। देखो बार दोबारा हम फाइनलाइज कर लेते हैं, यह कनेक्टेड आ चुका है और यहाँ क्रॉस कर देते हैं और फिर से गो कर देते हैं। लास्ट टाइम हम दोबारा से चेक कर लेते हैं और यहाँ पे एयरटेल की स्पीड देखिए कितनी आ रही है। तो दोस्तों आपने देखा ये राउटर कैसा था, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैक्सल नॉर्मल मोबाइल की रेंज की क्वालिटी के हिसाब से जो है हमारे को क्वालिटी देता है, और बात आ रही है अभी उससे भी थोड़ा सा कई जगह पे कम है, बट क्या करें, इसका हम वेट करेंगे 4G+ राउटर आने में। ये इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर किसी के पास है तो उसमें मैनुअल सेटिंग कैसे करते हैं वो हमने आपको बताया, और जिस तरह से भी था अभी तक हमने आपको दिखाया। हाँ अच्छी कवरेज आपकी आती है तो हो सकता है ये ज़्यादा कैच करता हो, लो क्वालिटी में कम कैच करता हो, तो इतना हमने चेक किया। और यहाँ पे हमने अपनी शॉप पे भी चेक किया था बट वहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं था, तो हमें ज़्यादा जो है ज़्यादा अच्छा नहीं लगाए। लेकिन हो सकता है भी ये छत पे अगर लगाई जाए तो इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा आती हो, बट उसकी बात आ रही है फिर इतना ज़्यादा जो है हम तामझाम नहीं करना चाहते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये हमारे को तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन किसी के बारे में बुरा बोलना भी माड़ी बात है, लेकिन जो है सो है। तो इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चाहिए और इस तरह की वीडियो को आप पसंद करते हैं। तो इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा है जैक्सल का राउटर था, हमने अनबॉक्स किया, चेक कराया, सेटिंग की, सब कुछ आपने देखा। इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद।